अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग अगेन एक पूरा पेपर टू बच्चों सॉल्व करने वाले हैं इन दिस सेशन। और अगेन बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्लेन भी करूँगा और किस तरह क्वेश्चंस को आप लोग को कैटर करना है, किस तरह क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है, वो सब भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर पेपर। मुझे जरा मैक चैट पे अपडेट कर देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर, ऑल गुड। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क ऑन मैक चैट बच्चों, ठीक है। सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। द वेरिएंट इज बच्चों 229618 एंड द पेपर बच्चों इज फॉर 2 आवर्स। तो हमें भी आज थोड़ा सा अपनी सीट बेल्ट बच्चों टाइट कर लेगा बिकॉज हमें लाइक अराउंड 2 घंटे लगने वाले हैं बिकॉज पूरा पेपर सॉल्व करना है आज की क्लास में। मैंने लास्ट क्लास में आई रिमेंबर जब मैं एक पेपर 2 करवा रहा था तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। पहला सेशन था तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था उसके अंदर, लेकिन इस आज वाले पेपर के अंदर हमें पूरा कंप्लीट पेपर 2 करना है, भले 2 आवर्स लग जाए, भले 2.5 आवर्स लग जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो कैंडिडेट नेम सर मैक सी एस इज गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर 1 2 3 4 5 1 1, ठीक है। ओके जी, इन द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनर इज रिक्वेस्टिंग यू पीपल यूज इंसर्ट टू फाइंड द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। सो पहले बच्चों आप लोग को बोल रहा है ये आइडेंटिफाइड टेबल है, मतलब वेरिएबल्स का एक टेबल है आप लोग के पास। एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिकमेंड अ वेरिएबल नेम एंड आप लोग को उसकी डेटा टाइप बतानी है। तो बच्चों मिस्टर खान एग्जाम्पल दी हुई आप लोग को डेटा की, नेम ऑफ कस्टमर। सो वॉट शुड बी द नेम फॉर द वेरिएबल, मुझे मैक शर्ट पर लिख के जल्दी से बता दें तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। अनस ने बता दिया सर कस्टमर नेम, सो साउंड्स गुड। अब यू कैन सी मैंने कस्टमर का सी कैपिटल करा है, नेम का एन कैपिटल करा है। सो इस टाइप की केसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एस कैमल केस। तो एग्जाम में बड़ा खुश होता है जब आप लोग कैमल केसिंग यूज करते हो। तो ट्राई करेगा आप लोग पेपर के अंदर जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो या फंक्शन का नाम रखना हो या कॉन्स्टेंट का नाम रखना हो तो गो विद द कैमल केस स्टफ। द डेटा टाइप ऑफ कोर्स बच्चों, ये तो बच्चों वाली चीज आप लोग के लिए स्ट्रिंग। थैंक यू आरएस, आपने बताया भाई। नंबर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्डर, ठीक है। तो इट कैन बी नम आइटम्स, इट कैन बी आइटम नंबर एज वेल, ठीक है। आइटम काउंट आईफोन, पहले बेटा आप अपना नाम खैर करेक्ट कर लें। तो आइटम काउंट, आइटम काउंट चलें आपका, आपने रिकमेंड करा वेरिएबल का नाम, दैट वाज फाइन, अच्छी बात है। लेकिन आपने वेरिएबल के नेम में स्पेस दे दी बच्चों, बेटा दैट इज नॉट अलाउड, स्ट्रेट 0 मिलेगा आप लोग, आपको रिमेंबर दैट वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। तो आई एम गोइंग बच्चों विद आइटम नाम and the data type of course will be integer. ठीक है, बिलाल ने भी बताया भाई सर आइटम नम अंडरस्कोर भी यूज करा बिलाल ने, दैट्स फाइन, अच्छा अच्छा। इंडिकेट वेदर दिस इज अ न्यू कस्टमर, सो सिंस द डेटा टाइप बच्चों हमारे पास क्या है, बुलियन, सो वी विल बी गोइंग विद इज न्यू कस्टमर and the data type will be boolean. The last one bachcho deposit paid by the customer, so I think that's fine, deposit paid and the data type bachcho will be real. Okay ji, नेक्स्ट वी नीड टू टोटल मल्टीप्लाई बाय डेप्ट रेट। तो द वैल्यू फॉर टोटल बच्चों इज 124 एंड डेप्ट रेट बच्चों इज 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 124 दैट विल बी 248 प्लस 1.5, सो दिस विल बिकम 149.50
जीरो. नेक्स्ट राइट डिस्क्रिप्शन के ऊपर अप्लाई करना है, सेवन कैरेक्टर्स पिक करने. सो यू कैन सी बच्चों, ये रहा डिस्क्रिप्शन, सेवन कैरेक्टर्स पिक करने. सो सेवन कैरेक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया स्मॉल. हाँ सर, मुझे भी याद आ रहा है कहीं किया ही, पता नहीं शायद मैंने क्लास में करवाया होगा. चले, लेकिन ऑफकोर्स आज तो हमें पूरा पेपर ही सॉल्व करना है, तो अगर कोई पार्ट अगर आप लोगों ने किया हुआ तो नो नीड टू वरी अबाउट, जल्दी जल्दी आप उसका रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. हाँ मुझे भी कहीं याद आ रहा है, मैंने पता नहीं, मैं अभी ये सॉल्व करते हुए यही सोचा था, मैंने कहीं क्लास में आप लोगों को ये करवाया था क्वेश्चन. खैर चले, कोई नो नीड टू वरी अबाउट. लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन, सो बच्चों द लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन वी नीड टू काउंट, वन वी हैव डन टिल क्वेश्चन थ्री ओनली. ठीक हो गया, चले अच्छी बात है, आज पूरा पेपर कर लेंगे हम लोग. आज पूरा पेपर कर लेंगे हम लोग, अच्छी बात है. ओके जी, लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 plus 7, that will be 30. So 30 minus 8, that is 30 minus 8, that is 23. 23 is greater than 16. Yes, that's true. Num to string, number को convert किया जा रहा है बच्चों string के अंदर. Depth rate was 2. तो 2 multiply by 2.0 multiply by 10, so it will be 20.0. 20.0 पे मैं int apply करूंगा, it will become 20. और बच्चों इसके अंदर concatenate किया जा रहा है, add किया जा रहा है, because this is the symbol for concatenation. So this will be अब्दुल्ला, वो 23 हो, 24 हो और 22 हो, that doesn't matter बेटा, मतलब greater ही है, 16 से true ही आएगा आपके पास. So बच्चों this will become 20%. ठीक है, सो 4 मार्क्स आपका एग्जामिनर का अवार्ड करा आप लोगों को इस पार्ट के ऊपर. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. वो बोले द डाटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर, नॉट ऑल द डाटा इज ऑफ द सेम डाटा, डिस्क्राइब एन इफेक्टिव वे. एक इफेक्टिव वे आप लोग को बच्चों यहाँ पे डिस्क्राइब करना है फॉर स्टोरिंग द डाटा फॉर मेनी कस्टमर्स ऑर्डर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. तो बच्चों आई थिंक वी डिस्कस दिस एज वेल, वी कैन गो विथ रिकॉर्ड डेटा टाइप कैन बी यूज्ड हैविंग मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स. वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप इन ईच इंडेक्स ऑफ द एरे. एरे के हर इंडेक्स के ऊपर, at each index of the array, record for one customer can be stored. ठीक है, तो एक बेहतरीन सा रिप्लाई बच्चों हम लोगों ने एग्जामिनर को यहां पे दे दिया, भाई रिकॉर्ड डेटा टाइप यूज कर लो, एक एरे बना लेंगे रिकॉर्ड डेटा टाइप का, और एरे के हर एलिमेंट के ऊपर एक कस्टमर का डेटा हम लोग रिकॉर्ड क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे. ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, यू नीड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ओवर हियर. फ्लो चार्ट बच्चों ड्रॉ करना है आप लोगों को, स्टेप्स गिवन है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल, और आई थिंक कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला. इनपुट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज वन एट अ टाइम. Ignore all values until 27 is input.
जब तक यूजर 27 एंटर ना करे आपके पास आपका लूप चलता रहेगा। तो बच्चों मैंने सबसे पहले ये वाला काम करवा दिया, इनपुट के लिए आई होप यू पीपल रिमेंबर द बॉक्स दैट वी यूज इज अ पैरेललोग्राम। ओ नो सॉरी, हाँ पैरेललोग्राम कहते हैं ना इसे, हाँ सही। ठीक है भाई, सो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा, इग्नोर ऑल वैल्यूज अंटिल 27 इज इनपुट। तो मैंने यहां पे कर दिया इनपुट नम, और मैंने यहां पे डिसीजन बॉक्स अप्लाई करा एक, आप लोगों को पता है डिसीजन के लिए हम लोग कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, वी गो विथ डायमंड। तो मैंने बोल दिया अगर ये नंबर इज नम इज इक्वल्स टू 27, बच्चों अगर ये 27 है तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा यस, और अगर ये नहीं है नो, तो बच्चों मैं वापस से इनपुट लेता रहूंगा लेता रहूंगा लेता रहूंगा, माय लूप विल कीप ऑन आइट्रेटिंग, मेरा लूप यहां पे आइट्रेट करता रहेगा जब तक नम की वैल्यू क्या ना हो 27 ना हो। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर 27 क्यों लिख दिया भाई, यहां पर लिखूंगा यस और वहां पे क्या लिखूंगा नो, यस और यहां पे क्या लिख दूंगा नो। ठीक है भाई, सर टोटल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, देख लेते टोटल को आप आगे कर देते इनिशियलाइज, देन सम द रिमेनिंग वैल्यूज, सम द रिमेनिंग वैल्यूज, बिकॉज आप लोग अब सम करना है, सम का मतलब टोटलिंग करनी है, एंड व्हेन एवर वी नीड टू परफॉर्म टोटलिंग वी नीड टू इनिशियलाइज टोटल बच्चों विद जीरो, और द समिंग बच्चों विल स्टॉप व्हेन द वैल्यू इज जीरो, इनपुट व्हेन इनपुट इज जीरो देन आउटपुट द सम ऑफ द टोटल वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने यहां पे बच्चों टोटलिंग करवा ली पहले, द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग, टोटल इज इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों मैंने यहां पे इनपुट ले लिया नम, इनपुट के लिए आप लोगों को पता है द सिंबल दैट वी गो विथ इनपुट नाउ अगेन, अगर ये नम जीरो है तो बच्चों आपके पास यहां पे आपका लूप वो बोल रहे सम को डिस्प्ले करवा देना, इफ स्टॉप समिंग व्हेन द इनपुट इज जीरो आउटपुट द सम ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने अब यहां पे चेक कर लिया, अगेन एक डिसीजन बॉक्स आ जाएगा, इज नम इज इक्वल टू जीरो, अगर ये यस है तो बच्चों यहां पे एंड होगा, और अगर ये नो है तो मुझे टोटलिंग करनी है, और आप लोग को पता है टोटलिंग के लिए द बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इज अ रेक्टेंगल, और मैंने यहां पे टोटलिंग का फॉर्मूला लिखा बच्चों टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, और बच्चों अगेन ये टोटलिंग करने के बाद मैं वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस से क्या करो इनपुट नम, और जब तक अब यूजर जीरो एंटर नहीं करेगा मेरा लूप यहां पे आइट्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब यूजर जीरो एंटर करेगा मेरा लूप एंड हो जाएगा, मुझे आउटपुट करवाना है, तो मैंने यहां पर बच्चों डिस्प्ले करवाया। आप लोग को पता है भाई आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक पैरेललोग्राम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फॉल हो रहा होगा ये आपके पास, और मैंने यहां पे डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट सम इज इक्वल टू कॉमा टोटल, और यहीं पे बच्चों योर कोड इज गोइंग टू बी एंडेड। ठीक है भाई, तो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग अस 5 marks फॉर दिस। तो इस तरह के फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, इजी होते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो, जो जो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग बस वो काम पूरा करते रहे, अपने डायग्राम्स को बैलेंस रखिएगा, ये नहीं करेगा अपना फ्लो चार्ट पूरा एक जगह कॉन्फाइन कर दे यहाँ पे, या
आप इतना बड़ा बना दें कि पेपर से आपके रीजन से बाहर चला जाए, या आप बिल्कुल उसको इधर इधर बना दें, थोड़ा सा बैलेंस करके आप लोगों को ड्रॉ करना है, एरोज आगे पीछे कर लेगा, नो नीड टू वरी अबाउट, इसके ऊपर कोई आपके पास मार्क्स डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट। गिव अ नेम ऑफ अ सूटेबल लूप स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड। तो बच्चों कोई भी कंडीशनल लूप आप लोग यहां पे यूज करते कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग एक कंडीशन के ऊपर आइटरेट करवा रहे हैं। शाहिद इज आस्किंग के सर कैन बी स्टार्ट द टोटल एट द स्टार्ट। यस शाहिद, ऑफ कोर्स यू कैन, कर सकते हो। 2+2 शाहिद 0, सॉरी 2+2 आपके पास 4, एंड 3+1 भी क्या होता है आपके पास 4 होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 2+2 0, मतलब ज्यादा दिमाग चल रहा है मेरा भाई आज। सो दिस इज बच्चो एनी लूप दैट यू कैन राइट name a suitable loop structure that can be used. So I'm going bacho with precondition loop. Example bhi de dein while. And while. Aur yahan pe justify kar dein because we need to our iterations depending on the input from the user, they are not fixed. ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशन हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है भाई। ये आईफोन तुम्हारा नाम क्या है भाई, जरा मुझे पता चले कौन इतना अपना नाम आईफोन कौन रखता है भाई, ये जरा बताओ। ओके जी, अब बच्चों एक एडीटी का सवाल आ गया। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल। आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था। ये बता रहे कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है एंड PTR1 इज द स्टार्ट पॉइंटर, दिस इज द स्टार्ट पॉइंटर एंड PTR2 इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। सो इसका मतलब आप लोग की लिस्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम हियर, देन द फर्स्ट डेटा आइटम इन द लिस्ट इज D40, फिर D40 का पॉइंटर बता रहे अगला आइटम क्या है D32, D32 का पॉइंटर बता रहे अगला आइटम क्या है D11, D11 का पॉइंटर बता रहे अगला आइटम क्या है D100, और D100 का पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ये पॉइंट कर रहा है आपके पास कहां पे पॉइंट कर रहे हैं, टूवर्ड्स द नल वैल्यू, ये नल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब आपकी लिस्ट यहां पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। अब आपकी लिस्ट में जगह अवेलेबल है, यस सर, फ्री पॉइंटर बता रहे द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड F1, द सेकंड अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड F2, द थर्ड अवेलेबल फ्री स्पेस इज कॉल्ड F3, द फोर्थ अवेलेबल फ्री स्पेस इज कॉल्ड F4, और इसके बाद आपकी लिस्ट में फर्दर जगह अवेलेबल नहीं है। कैन यू प्लीज रीशेयर योर स्क्रीन अहमद, मेरे पास तो सामने आ रही है, मैं अपनी जो स्क्रीन होती है मैं सामने भी डिस्प्ले करवा रहा होता हूं, तो आप अपने एंड पे चेक करो बेटा, आपके पास शायद कोई इशू हो। एनीवन, कोई बच्चा मुझे गाइड करे क्या मेरी स्क्रीन नहीं है, आ गई, सही, बस ठीक है। सो अब बच्चों आप लोग के पास वो सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं काइंडली ये टेबल आप लोगों को क्या करना है, फुलफिल करना है, तो कर लेते हैं। स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, दिस इज द स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स D40, चेक करें D40 कहां है, D40 हियर यू गो। सो D40 कहां पर है सर, फोर्थ इंडेक्स में, इसका मतलब द वैल्यू फॉर द स्टार्ट पॉइंटर इज 4, मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब D40 बच्चों किसको पॉइंट कर रहा है, D40 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स D32, सो लेट्स फाइंड आउट वेयर इज D32। सो वी कैन सी बच्चों D32 इज राइट ओवर हियर एट द इंडेक्स 1, सो इसका मतलब D40 का जो पॉइंटर होगा ये पॉइंट करेगा टूवर्ड्स 1, ठीक है। D40 का पॉइंटर मतलब D40 बता रहे अगला आइटम कहां पर है, मैंने बता दिया 1 पर है, मैं गया यहां पे 1 पे, इसका मतलब अगला आइटम कहां पर है D32,
अब D32 बता रहे अगला आइटम कहां पर है, 2 पे, तो D32 के आगे क्या था हमारे पास, इट वॉज D11, इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या आएगा आपके पास D11, D11 बता रहे अगला आइटम कौन है हमारे पास D100, सो दैट इज एट द इंडेक्स इज 3, सो थर्ड इंडेक्स पे क्या होगा D100, D100 बता रहे बच्चों आपकी लिस्ट यहां पे क्या हो रही है, एंड हो रही है, सो व्हाट वी कैन डू यहां पे, अब हम लोग नल वैल्यू क्या रख सकते हैं, वी कैन कीप नल वैल्यू एज 0, सिंस एरे की इंडेक्सिंग बच्चों 1 से स्टार्ट हो रही है आपके पास यहां पे, तो आप यहां पे 0 भी रख सकते हो एज अ नल वैल्यू, या यू कैन कीप एज -1 एज वेल, तो आप -1 भी रख सकते हो बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल इन द एरे इंडेक्स। अच्छा जी, अब बच्चों फ्री पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहे है, फ्री पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 5, तो 5 बच्चों इसका मतलब दिस इज आर फ्री पॉइंटर एंड फ्री पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स F1, तो 5 पे क्या होगा हमारे पास, 5 पे क्या होगा इसका मतलब हमारे पास F1 होगा, F1 का पॉइंटर बच्चों पॉइंट कर रहा है किसको, F2 को, F2 कहां पर है भाई, F2 बच्चों इज एट 6, इसका मतलब बच्चों यहां पे हमारे पास क्या होगा 6 होगा, फिर बच्चों F2 का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है F7 को, तो F7 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, मतलब F7 इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, F3 होना चाहिए, और इसके अलावा बच्चों अब F3 के बाद बचा ही कुछ और नहीं है, तो ये 8 को पॉइंट करेगा, और 8 पे बच्चों हमारे पास क्या है F4, और F4 पॉइंट करेगा नल को, इसका मतलब आपके लिस्ट यहां पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। सो दिस इज हाउ बच्चों, आप लोगों को बस सिर्फ लिंकअप करना था, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल फ्रॉम द एग्जामिनर साइड। ओके जी, नेक्स्ट, अब वो बोले देयर इज अ न्यू नोड, एक नई नोड आप लोगों को क्या करनी है, एडअप करनी है, एंड द नेम बच्चों इज D6 एंड यू नीड टू इंसर्ट बिटवीन D32 एंड D11 लाइक दिस इज D6 एंड यू नीड टू इंसर्ट बच्चों इन बिटवीन दीज टू नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहला अब मैं इंसर्ट करना सिखा रहा हूं आप लोगों को, कैसे इंसर्ट करेंगे, D6 को बच्चों पहली खाली जगह पे रख दिया जाएगा, तो पहली खाली जगह क्या थी हमारे पास, दैट वाज F1, तो D6 विल बी मूव्ड टू द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, जब वो फ्री स्पेस पे मूव कर दिया गया बच्चों, अब अगली फ्री स्पेस क्या होगी आपके पास, नाउ द फ्री स्पेस विल बी F2 हो जाएगी अब आपकी फ्री स्पेस। ठीक है, अब जब हमने D6 को बच्चों फ्री स्पेस में रख दिया, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम D6 का पॉइंटर पॉइंट करवाएंगे टूवर्ड्स D11 और D32 का पॉइंटर हम लोग पॉइंट करवा देंगे टूवर्ड्स D6। दैट्स इट, दिस इज हाउ वी कैन ऐड एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, सो असाइन डेटा आइटम किसको असाइन करूंगा मैं, असाइन डेटा आइटम D6 टू F1। वाई F1? बिकॉज F1 वॉज द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, दैट्स वाई हम लोगों ने F1 के ऊपर क्या करा है, असाइन करा है। ठीक है, सेट द डैश ऑफ द नोड टू द नोड, तो सेट द नोड ऑफ, सेट द क्या करना, पॉइंटर मूव करेंगे ना, सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू D11। जतिन बोल रहे सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, सर जतिन कर देता हूं वापस, कोई मसला नहीं है। देखो जतिन, आपको क्या करना था, एग्जामिनर ने सवाल दिया, एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, देखो ये एक नोड होती है, नोड के अंदर दो चीज होती है, दिस इज द डाटा और ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर क्या करता है अगली नोड को पॉइंट करता है, तो इसका मतलब मेरी लिस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, पहला डाटा ये इसका पॉइंटर बताएगा ये अगला डाटा, इसका पॉइंटर बताएगा ये अगला डाटा, इसका पॉइंटर बताएगा ये अगला डाटा, और ये पॉइंटर अगर नल बता रहे इसका मतलब यहां पे आपकी लिस्ट एंड हो रही है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड यहां पे लेट्स सी, अब देखिए D6 आपके पास, अब आपका डाटा आ रहा है, फ्री डाटा है आपके पास, तो फ्री जगह पे रखा जाएगा, D6 को हम लोग यहां पे रख देंगे। अब जब D6 को इन दोनों के बीच में ऐड करना है, तो भाई D6 का पॉइंटर क्या करेगा, D11 को पॉइंट करेगा, और D32 का पॉइंटर किसको करेगा, D6 को पॉइंट करेगा, बस ये बस बीच में ऐड करना है आपने, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस, पहली खाली जगह पे हम उसको रखेंगे और आगे मूव करेंगे। तो मैंने ये लिखा है सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड, मतलब D6 टू D11, तो D6 का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, D11 को पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना होगा, D32 को D6 पे मूव करना होगा, सेट द पीटीआर टू,
पीटीआर मतलब फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस पहले एफ वन के ऊपर पॉइंट कर रहा था, एफ वन पे यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे डी सिक्स आ गया है, तो अब फ्री पॉइंटर कहां पे पॉइंट करेगा, इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स एफ टू, तो सेट पीटीआर टू पॉइंट टू एफ टू एंड सेट द पॉइंटर ऑफ डी थर्टी टू टू डी सिक्स, ठीक है। सो आई होप जतिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ हो, क्लियर हुआ हो, एक दफा अगर नहीं भी हुआ हो तो बाद में इसको गो थ्रू करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, थोड़ा सा टाइम लगाना तो माइंड में चीज बैठ जाएगी एक दफा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, सुडो कोड आ गया भाई, लेट्स स्टार्ट। एक प्रोसीजर बनाने, नाम है काउंट, इनपुट करनी है वैल्यू, ऑल हमें एज्यूम करना है ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, काउंट द नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज, काउंट द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज, आप लोगों को यहां पे इवन और ऑड क्या करना है, यहां पे काउंट करना है, रिपीट स्टेप नंबर वन अंटिल द वैल्यू 99 बच्चों इज बीइंग एडेड, आउटपुट द टू काउंट वैल्यूज विद अ सूटेबल मैसेज, वैल्यू 99 मस्ट नॉट बी काउंटेड। बहुत ही सिंपल सवाल है, इवन और ऑड काउंट करना है और बच्चों प्रोसीजर के थ्रू उसको डिस्प्ले करवा देना है। सो मैं इंसर्ट एक दफा देख लू जरा, तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे इंसर्ट की नीड पड़ेगी बच्चों। And I will be using a built-in function and the name of that built-in function bachcho is mod. Theek hai? Input a value. Haan, matlab user se input lete rehna hai. तो बच्चों मॉड का फंक्शन क्या करता है, आपके पास रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो यूजर से इनपुट लेता रहूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय टू कर दूंगा, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा इसका मतलब नंबर इवन है, और अगर नंबर जीरो नहीं आएगा इसका मतलब नंबर क्या होगा, ऑड होगा, सिंपल सी लॉजिक। काउंटर दो काउंटर ले लेंगे, काउंटिंग करते रहेंगे, और जब यूजर 99 एंटर करेगा तो लूप क्या करवा दूंगा, एंड करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा वैल्यूज, पता हूं सिंपल सा क्वेश्चन है। सो लेट्स परफॉर्म, ओके जी, प्रोसीजर, द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज काउंट, नो पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, नाउ आई नीड टू डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, आई नीड टू काउंट इवन नंबर्स, सो फॉर दैट डिक्लेयर काउंट इवन, आई नीड टू काउंट ऑड नंबर्स, सो फॉर दैट काउंट odd, I need to ask user to enter a number, so that will be num, and all of them bacho will be as integer. You people know that whenever we need to perform counting we always initialize the count with zero, so count even should be equals to zero, count odd should be equals to zero, ठीक है भाई। अब क्या करा मैंने यहां पे, what I did next, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, आउटपुट एंटर अ नंबर और 99 टू एंड इनपुट नाउ। अब जो जब तक यूजर 99 एंटर नहीं करेगा मेरा लूप चलता रहेगा, तो फॉर दैट आई नीड टू मेक, मुझे एक कंडीशन बनानी होगी, तो मैंने यहां पे कंडीशन बना दी, व्हाइल नम नॉट इक्वल्स टू 99 मेरा लूप चलता रहेगा। अब मेरा लूप चला, अब मुझे ये चीज काउंट करनी कि नंबर इवन है या ऑड, तो मैंने बच्चों काउंट कर लिया, इफ नम मॉड टू, अगर रिमाइंडर बच्चों जीरो आ रहा है, दिस मीन्स दैट द नंबर इज, दैट द नंबर इज इवन, सो देन काउंट इवन
इज इक्वल्स टू काउंट इवन प्लस वन, और अगर नंबर इवन नहीं तो ऑफकोर्स बच्चों दैट नंबर विल बी ऑड, सो एल्स काउंट ऑड विल बी इक्वल्स टू काउंट ऑड प्लस वन. यहीं पे मैंने बच्चों कंडीशन एंड करी दैट इज एंड इफ, और यहीं पे मैंने अपना लूप भी सॉरी जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप, अब यूजर ने पहला नंबर एंटर करा है ना, तो जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप मैंने यूजर से वापस से रिक्वेस्ट करी कि आप काइंडली क्या करो वापस से नंबर एंटर करो, वापस से क्या करो नंबर एंटर करो. तो बच्चों जब तक अब यूजर ये नम की वैल्यू 99 एंटर नहीं करेगा मेरा लूप यहां पे चलता रहेगा आइट्रेट करता रहेगा. मैंने यहीं पे क्या लगा दिया, एंड वाइल कर दिया. तो जब यूजर बच्चों नम की वैल्यू 99 एंटर करेगा, जब यूजर बच्चों नम की वैल्यू 99 एंटर करेगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. जब लूप एंड होगा तो आप लोगों को ये डिस्प्ले करवाना था कितने नंबर्स इवन है और कितने नंबर्स ऑड. तो हम लोगों ने स्टोर करा हुआ कितने नंबर्स इवन है इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट इवन, और कितने नंबर ऑड है बच्चों हमने काउंट करा हुआ इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट ऑड. जैसे लूप एंड होगा मैंने डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे, और यहीं पे बच्चों मेरा प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. आउटपुट टोटल इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू कॉमा काउंट इवन, आउटपुट टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू काउंट ऑड. एंड आई नीड टू जस्ट एंड द प्रोसीजर राइट ओवर हियर, सो मैंने अपना प्रोसीजर भी बच्चों यहां पे क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर. ठीक है भाई, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 6 मार्क्स फॉर दिस ब्यूटीफुल कोड. ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आसान सा कोड था हमारे पास, आगे बढ़ते हैं. ओके जी, अगले पार्ट में बोल रहे बच्चों आप लोग को यहां पे टेस्ट डेटा अप्लाई करना है, और आपको पर्पस भी बताने, तीन तरह का डाटा आप लोग को अप्लाई करना है. टेस्ट डाटा मिक्स है, इवन नंबर ऑड, एंड चेक द टोटल्स. ठीक है, और क्या बोल रहे, गिव थ्री टेस्ट डाटा इन डाटा सीक्वेंस दैट मे बी यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसीजर, डू नॉट इंक्लूड एनी इनवैलिड वैल्यू. ठीक है, इनवैलिड डाटा कोई ऐड नहीं करना, बस यही सीक्वेंस चेक करनी है बच्चों. लेट्स से टेस्ट डेटा इज 23, 5, 1 एंड देन 99. सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स. And ending with 99. ठीक है, और ये आपके पास ऑफकोर्स नॉर्मल डाटा है. अब बच्चों एक और आप लोगों को टेस्ट डाटा अप्लाई करना, अब आप वो कर दें कौन से नंबर्स, और इवन नंबर्स की एक सीक्वेंस बता दें. सो इवन नंबर की सीक्वेंस क्या होगी, 64, 100, 202. मतलब ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू पिक डेटा फ्रॉम द अबव, कहीं से भी आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो भाई. 4, 8 एंड 99 टू एंड. पर्पस ऑफ द डेटा बच्चों आपने बता दिया, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स एंडिंग विथ 99. एंड द लास्ट डेटा बच्चों आप लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया, एंटर कर दिया 99. सो नो काउंटिंग शुड बी परफॉर्म्ड, लूप एंडेड विदाउट एनी डेटा एंटर्ड.
ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा भाई, एक ट्रेस टेबल का क्वेश्चन है बच्चों अगला, और आप लोगों को पता है ट्रेस टेबल मैंने बताया भाई एंड में करेंगे, तो एंड में करेंगे भाई, ट्रेस टेबल बाद में देखते हैं। ओके जी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अगेन बच्चों बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास यहाँ पे ये, सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। ये बता रहा है आप लोग को क्या करना है, यू नीड टू मेक अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर बनाना है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज क्रिएट फाइल्स विल टेक टू पैरामीटर्स। ये प्रोसीजर दो पैरामीटर्स लेगा। द नेम ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर बच्चों इज द फाइल नेम, एंड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फाइल दैट टू बी क्रिएटेड। आगे बता रहे द प्रोसीजर विल क्रिएट नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स स्पेसिफाइड। ईच फाइल इज गिवन अ डिफरेंट नेम। ईच फाइल नेम इज फॉर्म्ड बाय कॉन्कैटिनेटिंग फाइल नेम विद द सफिक्स बेस्ड ऑन द फाइल नंबर। द सफिक्स बच्चों इज ऑलवेज 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। आप लोग को बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल क्रिएट फाइल टेस्ट डेटा कॉमा 3। तो अब आप लोग यहां पे 3 फाइलें क्रिएट करेंगे, टेस्ट डेटा डॉट 001, टेस्ट डेटा डॉट 002, टेस्ट डेटा डॉट 003। वुड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ द फाइल। ईच फाइल विल कंटेन अ सिंगल लाइन एंड दैट विल बी अ स्ट्रिंग। बच्चों दिस फाइल और आपके पास दिस इज फाइल और फिर फाइल का नाम आ जाएगा आपके पास। एज्यूम दैट बोथ पैरामीटर्स आर वैलिड, और आपके पास रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो आपका जो सफिक्स है बच्चों वो हमेशा 3 कैरेक्टर्स का होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अब देखें ये बता रहे कि अगर मैंने यहां पर एंटर करवा दिया, मैंने यहां पर एंटर करा मैक और 5, इसका मतलब अब मेरे पास 5 फाइलें बनेंगी, मैक डॉट 001, मैक डॉट 002, मैक डॉट 003 टिल 005। तो अगर बच्चों आपके पास फाइल का जो नंबर ऑफ है अगर ये आपके पास सिंगल डिजिट करने दे, तो आप लोग को इसके आगे क्या करने है, 2 जीरोस एड अप करने। लेकिन लेट्स सपोज मैंने एंटर कर दिया 100, मतलब वो 99 तक हो सकता है, तो 100 के अंदर बच्चों अब मैं कोई इसके आगे सफिक्स ऐड नहीं करूंगा, इट विल बी मैक डॉट 100। लेकिन अगर यूजर के पास बच्चों 20 एंटर करा, तो आपके पास क्या होगा, मैक 020। तो मतलब सफिक्स हमेशा कितने कैरेक्टर्स का होगा, द सफिक्स विल बी ऑलवेज ऑफ 3 कैरेक्टर्स। तो अगर वो डबल डिजिट्स में जा रहे तो बच्चों 10 ऐड करना है, अगर वो 3 डिजिट में जा रहा है आपको कोई भी जीरो ऐड नहीं करना, अगर वो 1 डिजिट के अंदर जा रहा है तो आपको 2 जीरोस क्या करने आगे ऐड अप करने, और फिर आपको फाइल क्रिएट करनी है और आपको फर्दर प्रोसेसिंग क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, आराम से चलते हैं। सबसे पहले बोले प्रोसीजर क्रिएट करो, और एक पैरामीटर लेना फाइल का नाम, और एक लेना नंबर ऑफ फाइल्स दैट आर टू बी क्रिएटेड। लेट्स स्टार्ट विद द हेडर, एटलीस्ट हेडर तो बनाना आना चाहिए ना आप लोगों को पेपर के अंदर, वैसे तो पूरा पेपर ही आना चाहिए। तो हमने स्टार्ट करा, द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर बच्चों इज प्रोसीजर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज क्रिएट फाइल्स। पहले बच्चों पैरामीटर फाइल का नाम है, सो मैंने यहां पे ले लिया फाइल नेम स्ट्रिंग, एंड अब बच्चों आएगा यहां पे नंबर ऑफ फाइल्स, नम फाइल्स, एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स इंटीजर। हाउ मेनी मार्क्स दिस क्वेश्चन शायद, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 6, 6 नंबर का सवाल है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके सर से गुजर गया क्वेश्चन, तभी आप पूछ रहे हैं कि अगर पेपर में सवाल में छोड़ दूं तो कितना चांस है कि बच जाऊं मैं। ठीक है भाई, नाउ आई डिक्लेयर बच्चों फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर, इंट लिखे तो नो प्रॉब्लम नहीं, 0 मार्क्स, इंटीजर लिखने आपने
ठीक है। नहीं नहीं भाई ये नहीं सोचो, अभी देखो क्वेश्चन लिखोगे ना क्लियर हो जाएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा ना खुद ही क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। डिक्लेयर, आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स बच्चों, लाइक मुझे एक लाइन राइट करनी होगी, मुझे एक सफिक्स ऐड करना है, और मुझे बच्चों यहां पे क्या करना है, एक न्यू फाइल का नाम भी चाहिए होगा। सो न्यू फाइल एंड दे ऑल आर स्ट्रिंग। डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर, ठीक है भाई। सो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बच्चों यहां पे द नेम ऑफ द फाइल इज मैक एंड द नंबर ऑफ फाइल्स आर 3, ठीक है। मुझे तीन फाइलें क्रिएट करनी है, इसका मतलब मैक डॉट 001, मैक डॉट 002, मैक डॉट 003। जब तीन फाइलें क्रिएट करनी है तो मैंने बच्चों यहां पे एक फॉर लूप लगाया, सिंपली फॉर इंडेक्स एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1 to नंबर ऑफ फाइल्स, नम फाइल्स। अब अगर मेरी फाइलें बच्चों 5 है, 1 to 5, इफ द नंबर ऑफ फाइल्स दैट आई नीड टू क्रिएट आर 100, 1 to 100, इफ द नंबर ऑफ फाइल्स दैट आई नीड टू क्रिएट बच्चों आर 4, तो 1 to 4। तो जितनी भी मुझे फाइल्स क्रिएट करनी है 1 से लेके ये नम फाइल्स तक चलेगा लूप। अब मैं पहली फाइल क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो दैट विल बी, वो पहली फाइल का नाम क्या होगा, मैक डॉट 001, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों क्या करा, यहां पे मैंने सफिक्स यहां पे अपना क्रिएट करा, एंड द सफिक्स विल बी नम टू स्ट्रिंग इंडेक्स। अब आप लोग मुझे बताएं दैट द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज 1, तो मैंने क्या करा, मैंने इस नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा के सफिक्स में स्टोर करवा दिया। तो अब सफिक्स क्या होल्ड कर रहा है अभी करंटली बच्चों, सफिक्स की वैल्यू मेरे पास 1। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे 2 zeros क्या करने, एड अप करने। आई नीड टू एड 2 zeros ओवर हियर, ठीक है ना, मुझे 2 zeros एड अप करने, बिकॉज उसने बोला आपका सफिक्स हमेशा 3 characters के ऊपर होगा। बच्चों या तो मुझे 2 zero एड करने होंगे या 1 zero एड करना होगा। अगर अगर लेंथ मेरे पास इससे ज्यादा हुई तो बच्चों इसके अलावा तो मैं कुछ और, मैं फिर कुछ सफिक्स ऐड ही नहीं करूंगा। तो मैंने यहां पे एक सिंपली केस ऑफ कंडीशन लगा दी, इफ केस ऑफ लेंथ ऑफ सफिक्स। अब अगर सफिक्स की लेंथ बच्चों मेरे पास, मैंने बनाई कंडीशन 1 है, तो मुझे कितने जीरोस एड अप करने, इफ द लेंथ इज 1, अभी लेंथ 1 ही है, तो मुझे 2 zeros आगे इसके एड अप करने। तो मैंने बोल दिया भाई देन सफिक्स विल बी इक्वल्स टू 00 कॉनकैटनेट सफिक्स। ये क्या बन गया बच्चों, 001 बन गया मेरे पास। अगर मेरे पास सफिक्स की लेंथ बच्चों 2 है, मतलब मेरे पास यहां पे द नंबर वॉज, लेट्स एज्यूम मेरे पास नंबर बच्चों वॉज 12, तो 12 को अगर मुझे 3 digits में लेकर आने, तो 0 एड अप करने सिर्फ, तो इसकी लेंथ क्या है, 12 की 2 characters है। तो इफ द लेंथ इज 2 देन सफिक्स विल बी इक्वल्स टू, आई जस्ट नीड टू एड बच्चों यहां पे फिर 10 कॉनकैटिनेट सफिक्स। साथ डॉट बाद में लगाएंगे, ठीक है। और अगर बच्चों सफिक्स की लेंथ 3 है, तो मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है, फिर तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। तो यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड केस। अब बच्चों नई फाइल का नाम बना लें, तो न्यू फाइल विल बी इक्वल्स टू
फाइल नेम, फाइल नेम क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने, वी एज्यूम बच्चो दैट द फाइल नेम इज मैक, मैक के बाद क्या आएगा हमारे पास डॉट, तो मैंने यहां पे एक डॉट ऐड करा, डॉट के बाद बच्चों क्या आएगा हमारे पास सफिक्स आ जाएगा, सफिक्स। तो यू पीपल नो दैट द वैल्यू फॉर फाइल नेम इज मैक देन डॉट एंड देन 001, तो मेरे पास क्या बन गया न्यू फाइल नेम मैक डॉट 001, तो यही मुझे बनाना था। अब बच्चों क्या करूंगा मैं, अब मुझे ये फाइल, वो उसने बोला ये फाइल ओपन करो, इस फाइल में ये लाइन राइट करो, कौन सी लाइन राइट करो, ये वाली लाइन राइट करो कि दिस इज फाइल, और फिर ये फाइल क्लोज कर दो। बच्चों मैंने यहां पे जल्दी से फाइल ओपन करी, आप लोग को पता है फाइल को ओपन कैसे करते हैं, ओपन फाइल, या पहले ये लाइन बना लूं बच्चों पूरी प्रॉपरली। सो लाइन के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, पहले क्या लिखा हुआ दिस इज फाइल, फिर फाइल का नाम आ जाए, तो मैंने कर दिया दिस is file concatenate new file। अब वो बोला ये वाली जो लाइन है ना, ये इस नई वाली टेक्स्ट फाइल को ओपन करो, लिखो और उसको बंद कर दो, सिर्फ एक लाइन उसके अंदर लिखो। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है फाइल ओपन करने के लिए ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज न्यू फाइल एंड यू नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर राइटिंग पर्पज, सो फॉर राइट, और आपने वाली लाइन राइट करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखोगे, राइट फाइल, और फाइल में क्या राइट करना है हम लोगों ने, ये पूरी लाइन सॉरी कौन सी फाइल में राइट करना है, न्यू फाइल एंड व्हाट वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट दिस लाइन, और यहीं पे आप लोग अपनी फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज फाइल, विच फाइल, न्यू फाइल, ठीक है। और यहीं पर बच्चों अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, अपना लूप एंड कर दूंगा, दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स, अभी ऊपर जाएगा। अभी बच्चों ये मैंने पूरा काम परफॉर्म किया था फॉर द फर्स्ट फाइल, नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 2, तो अब मैं पूरा ही काम परफॉर्म करूंगा बच्चों फॉर द सेकंड फाइल, फिर फॉर द थर्ड फाइल, और ये मैं काम करता रहूंगा टिल नंबर ऑफ फाइल्स, और यहीं पर बच्चों मेरा प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। हरीश और ये पूरा क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है भाई। सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, हेल्दी क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने काफी ट्रिक्स यूज करी थी इस सवाल के अंदर। सो अगर आप लोग की लॉजिक्स, आप लोग की चीजें स्ट्रांग है, तो आप लोग क्वेश्चन को कर जाओगे। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अ मॉड्यूल, वो बोले एक मॉड्यूल बनाना है आप लोगों ने, द नेम ऑफ द मॉड्यूल बच्चो इज अच्छा जी, द नेम ऑफ द मॉड्यूल बच्चों इज चेक फाइल्स विल काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स दैट आर प्रोड्यूस बच्चों बाय द फंक्शन क्रिएट फाइल्स इन पार्ट ए, काउंट नंबर ऑफ फाइल्स, चेक फाइल्स विल टेक ए स्ट्रिंग फाइल नेम एंड रिटर्न नंबर ऑफ फाइल्स फाउंड, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉड्यूल दैट शुड बी यूज्ड, मतलब टाइप ऑफ मॉड्यूल मतलब बच्चों वो आपसे पूछ रहे कि ये फंक्शन होगा या प्रोसीजर होगा, ये पूछ रहा है वो, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है, सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, वो मतलब अभी रेलिवेंट नहीं है ना अहमद, तभी मैंने आंसर नहीं करा बेटा, ठीक है। फुरकान, जतिन, अनस सब बता रहे हैं सर दिस इज फंक्शन बिकॉज इट्स रिटर्निंग द वैल्यू, ऑफकोर्स फंक्शन, राइट द मॉड्यूल हेडर बच्चों फॉर दिस, बना ले फंक्शन चेक फाइल्स, फाइल का नाम लेकर एज अ पैरामीटर, तो फाइल नेम स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा कि चेक द फाइल स्ट्रिंग एंड रिटर्न नंबर ऑफ फाइल्स, रिटर्न्स इंटीजर,
ठीक है, स्टेट द फाइल मोड दैट शुड बी यूज्ड इन चेक फाइल्स। तो बच्चों ऑफकोर्स फाइल मोड आप लोग राइट के लिए तो ओपन करेंगे नहीं, आप लोग को चेक करने फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप लोग अपेंड के लिए भी अगर ओपन करने तो नहीं, देयर इज नो नीड फॉर दैट, आप सिर्फ उसको ओपन कर लो बच्चों फॉर द रीडिंग पर्पस, सिंपल रखें चीजों को। तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो आपके पास वो रीडिंग के लिए ओपन हो जाएगी, वरना वो फाइल ओपन नहीं होगी। बस बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन और बचे, ये वाला तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद फिर हम लोग बस अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, और ऑफ कोर्स वो ट्रेस टेबल वाला एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है तो वो भी करवाऊंगा, मैं आज करवाऊंगा, आज पूरा पेपर करेंगे भाई कंप्लीट। ओके जी, दिस इज बच्चों स्ट्रक्चर चार्ट, अच्छा सवाल है, बता रहे भाई देयर आर 6 मॉड्यूल्स, प्रोसीजर है, कुछ फंक्शन है, कुछ और है, कुछ और है, वो बोल रहे कंप्लीट द स्ट्रक्चर चार्ट, चार नंबर अवॉर्ड कर रहा है। अब बच्चों मैंने ये स्ट्रक्चर चार्ट देखा, दिस इज मॉड्यूल ए, क्या करूं भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मतलब कंप्लीट करना है तो कैसे करूं कंप्लीट करूं। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, फिर मैंने बच्चों ऑब्जर्व करा कि दिस इज, मैंने यहां से स्टार्ट करा तो मुझे पता चला कि दिस सिंबल इज फॉर, इसका मतलब क्या होता है आप लोग के पास मुझे बता दे मैक शर्ट पे लिख के, अगर एरो के दोनों साइड के ऊपर इसका मतलब क्या है हमारे पास। अनस हारिस ने बता दिया, शाहिद ने बता दिया, जतिन ने बता दिया, अरीब ने बता दिया, सर दिस मीन्स दैट दिस इज बायरेफ, मैं ऊपर गया मैंने चेक करा कि कौन से मॉड्यूल में बायरेफ आ रहा है पर कान बोले भाई सर इतना कौन मतलब मैंने क्वेश्चन देखा मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, फिर मैंने देखा यहां पे बायरेफ, फुरकान बोले सर इतना कॉन्फिडेंस पेपर में नहीं आ पाता भाई कि सर आप मतलब क्वेश्चन देखिए, और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो बस आई नो, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर इतना माइंड नहीं चलता कि आप कोई चीज रीड करें, बस बिल्कुल वी आर ब्लैंक, तो फिर बिल्कुल ब्लैंक ही हो जाते हैं आप लोग, एंड फिर रिकवरी के लिए आपको लाइक 3-4-5 मिनट चाहिए होते हैं ताकि आप उस शॉक से बाहर आए, फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो भाई सही है, वो मैंने शॉकिंग वाला टाइम आप लोग का रिमूव कर दिया था। ओके दिस मीन्स बायरेफ, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा बच्चों बायरेफ कहां पर है, सो आई कैन सी बायरेफ इज राइट ओवर हियर, ठीक है। सो इसका मतलब बच्चों बायरेफ कौन सा प्रोसीजर है हमारे पास, रीसेट, तो मैंने यहां पे बता दिया दिस इज रीसेट। अब मैंने इसके बाद बच्चों आगे ऑब्जर्व करा, इसका नाम क्या है बायरेफ का, कोड, तो मैंने नाम भी बता दिया, इसका नेम है कोड। अब मैं अगेन बच्चों ब्लैंक हो गया, मतलब अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो बच्चों एग्जामिनर ने एक लाइन लिख के दी हुई थी मुझे, मैंने ये लाइन रीड करी, मॉड्यूल एक्स कॉल्स रीसेट, तो इसका मतलब बोल रहा ये वाला मॉड्यूल जो है ना ये रीसेट को कॉल कर रहा है, तो रीसेट मतलब ये मॉड्यूल क्या होगा, मॉड्यूल एक्स होगा, मुझे एक और पता बात पता चल गई, दिस इज मॉड्यूल एक्स, ठीक है भाई। अब मॉड्यूल एक्स मैंने यहां पे ऑब्जर्व करा, मॉड्यूल एक्स को बच्चों क्या क्या चाहिए, T1 चाहिए, S2 चाहिए, तो मैंने इनको दोनों चीजें दे दी, मतलब मॉड्यूल एक्स ये लो, मॉड्यूल एक्स ये लो T1, मॉड्यूल एक्स ये लो S2, मैंने दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी मॉड्यूल एक्स। आगे बढ़ते हैं अब यहां पे, अब मैंने ऑब्जर्व करा बच्चों यहां पे ना ये चीज जो है ना ये एक फंक्शन है। अब मैंने आगे ऊपर देखा कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शन हैं, तो मेरे पास 3 फंक्शंस थे, Function 1, Function 2, Function 3। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, जो कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, जो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो मैंने ऊपर आके ऑब्जर्व करा, अब मुझे 2 फंक्शन मिले, ये भी बूलियन है, ये भी बूलियन है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा हो, बिकॉज यू कैन सी कि दिस फंक्शन इज ओनली टेकिंग 1 पैरामीटर। अब मैंने ऊपर आके ऑब्जर्व करा कि कौन से फंक्शन के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है, सो यू कैन सी बच्चों रीस्टोर हैविंग ओनली 1 पैरामीटर दैट इज ओल्ड कोड, इसका मतलब दिस इज
ओल्ड कोड एंड दिस इज रीस्टोर। अब मैं आके चुप हो गया थोड़ा सा, मैंने बोला अब क्या करें, अब क्या करें। तो बच्चों एग्जामिनर ने एक और बात लिखी हुई थी यहां पे कि मॉड्यूल वाई इज गोइंग टू कॉल द रीस्टोर। तो इसका मतलब बच्चों मॉड्यूल रीस्टोर को कौन कॉल कर रहा है, रीस्टोर को कॉल कर रहा है ये वाला मॉड्यूल। तो दिस मीन दिस इज मॉड्यूल वाई, ये मॉड्यूल वाई हो गया हमारा। ठीक है, मॉड्यूल वाई को क्या क्या चाहिए अब कर देख लें। मॉड्यूल वाई को चाहिए बच्चों आर ए और आर बी चाहिए। आर बी बोलिए ना, आर एन टीचर दे दे भाई, ये आर ए कर दे और इसको एक बुलियन भी चाहिए एंड दैट नेम इज आर बी। और ये रिटर्न करेगा बच्चों अगेन बुलियन, मैंने रिटर्न करवा दिया बुलियन। अब बच्चों मैंने ऑब्जर्व करा, मेरे ला एक बॉक्स अभी भी बचा है। जब सब कुछ हो चुका है बच्चों, मॉड्यूल ए हो चुका है, एक्स हो चुका है, रीसेट हो चुका है, रीस्टोर हो चुका है, मॉड्यूल वाई हो चुका है, सिर्फ बचा क्या, मॉड्यूल जेड बचा। तो दिस मीन दिस इज मॉड्यूल सी। ओके जी, नाउ इसको क्या चाहिए, एस ए चाहिए, रिटर्न करेगा इंटीजर। मैंने इसको ऐसे दिया और मैंने रिटर्न करवा दिया बच्चों एक इंटीजर। ठीक है, उसने ऑफ कोर्स नाम नहीं बताया हुआ कि पैरामीटर का नाम क्या होगा, तो वी आर गोइंग टू लीव दिस एज ब्लैंक। फुरकान इज सेइंग सर मॉड्यूल वाई और रीस्टोर को एक्सप्लेन कर दें। देखो मैंने यहां पर ऑब्जर्व करा, ये एक ऐसा फंक्शन था जो रिटर्न कर रहा था बूलियन पैरामीटर और एक पैरामीटर ले रहा था। मैं ऊपर आया, मैंने बोला बूलियन फंक्शन कौन कौन से, देयर वर टू फंक्शंस, एक ये था एक ये था, दे बोथ वर बूलियन फंक्शंस। लेकिन ये जो मॉड्यूल वाई था ये दो पैरामीटर्स ले रहा था, आर ए और आर बी, और ये जो रीस्टोर था सिर्फ ये एक पैरामीटर ले रहा था। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया ये क्या होगा आपका रीस्टोर, बिकॉज ये एक पैरामीटर ले रहे सिर्फ। ठीक है, सो इस तरह बच्चों फुरकान मैंने आइडेंटिफाई करा। फिर मॉड्यूल वाई देख लो, मॉड्यूल वाई को दो पैरामीटर्स चाहिए थे, वन वॉज आर ए एंड वन वॉज आर बी, मैंने दोनों प्रोवाइड कर दिया आर ए एंड आर बी, और फिर ये रिटर्न कर रहा था बूलियन, सो वी परफॉर्म दैट। ठीक है, ओके जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डायमंड सिंबल बच्चों। सो दिस इज यूज फॉर सेलेक्शन वन ऑफ द मॉड्यूल्स from given modules will be selected। ठीक है, डायमंड सिंबल बच्चों सिलेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, तो इन तीनों में से कोई एक मॉड्यूल आपके पास सेलेक्ट किया जाएगा, यूज किया जाएगा। एंड लेट्स मूव ऑन बच्चों टू आर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये ऑफ कोर्स मैंने कहीं पे भी नहीं करवाया हुआ, तो ये तो मुझे याद है, तो अब जरा मजा आएगा। अब आप लोग को एक नया क्वेश्चन है, सुडोकोड का क्वेश्चन है और एक अच्छा सवाल है। सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट, आराम से बिल्कुल सुकून से सॉल्व करना होता है, कभी भी क्वेश्चन के ऊपर रश नहीं करेगा, उसको 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 देख के घबरा मत जाएगा। अगर देखें आप लोग तो पूरा एक पेज का तो सिर्फ उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर यहाँ पे एक आधे पेज की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर यहां पे भी बच्चों आधे से ज्यादा पेज की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एंड ही इज आस्किंग यू टू सॉल्व ऑल दीज स्टफ। सो टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से सुकून से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं होता, क्वेश्चन आसान होता है, उसको सिर्फ समझना होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी बड़ा सवाल आता है ना, तो ठीक है, ठीक, डीप ब्रेथ और सॉल्व करना ही होता है उसको, उसको दो तीन दफा रीड करना है आप लोगों ने। एक दफा रीड करके बच्चों कभी भी, इवन अगर मैं अगर आप लोग को ये बोलता हूं यहां पे बैठ के कि आई एम टीचिंग कंप्यूटर साइंस लाइक फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स और मैं जो है क्वेश्चन देख के आंसर निकालूंगा, तो बच्चों दैट्स नॉट ट्रू, नहीं कर सकता भाई। एक दफा देख के मैं कभी भी बच्चों रीड करके मैं आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकता, आई नीड टाइम, मुझे भी दो दफा रीड करना पड़ता है, मुझे भी चीजें चेक करनी पड़ती है, अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा ये इसने, फिर मैं ऊपर वापस से क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। तो हमें यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि चीजों को ना इंफेसाइज करें स्टार्टिंग में, रीडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो मैं जो चीज इंपॉर्टेंट है आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लेगा, मैं उसको हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है, अ क्लास ऑफ, अच्छा इसे इस पूरे क्वेश्चन में, ये ऐसा भी तो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें वो ऐसी फजूल में भी कर रहा होता है,
ताकि आप लोग थोड़ी सी लंबी करे, ठीक है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें ये चीज, हमें हमारा विजन ये होना चाहिए कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो नजर आनी चाहिए आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू सेंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ वायर्ड नेटवर्क। सीरियल पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, फाइन, मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ईच कंप्यूटर असाइन्स अ यूनिक 3-digit ID। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर कंप्यूटर की जो आईडी होगी वो यूनिक भी होगी और वो कितने कैरेक्टर्स की होगी, 3-digit ID होगी। हैज 3 ports। हर कंप्यूटर के पास 3 port है, ईच आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर वैल्यू। अब वो कौन सी इंटीजर वैल्यू ये नहीं बताया उसने, लेकिन बोला हर उसको एक इंटीजर वैल्यू से आइडेंटिफाई किया जाएगा। इट कैन बी 1, 2, 3, इट कैन बी 5, 2, 6, मतलब वी डोंट नो दैट, लेकिन इंटीजर वैल्यू से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इज कनेक्टेड बिटवीन 1 and 3 other computers। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं वापस से रीड करूंगा। इज कनेक्टेड टू बिटवीन 1 and 3 other computers। अच्छा, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर 1 और 3 other computers है। मतलब टोटल मेरे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वो बताना चाह रहे हैं, 4 computers आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, होने दो। डेटा इज सेंड एज इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स। ईच स्ट्रिंग कंटेन्स, हर स्ट्रिंग कंटेन करेगा डेस्टिनेशन आईडी, द आईडी ऑफ द कंप्यूटर दैट इज टू रिसीव द मैसेज इज द फॉलोइंग। तो पहले क्या होगा आपके पास डेस्टिनेशन आईडी, डेस्टिनेशन आईडी वो बता रही है क्या चीज है, ये कंप्यूटर की आईडी है एक्चुअली, दिस इज द आईडी ऑफ द कंप्यूटर। हर कंप्यूटर की यूनिक आईडी है तो ये कंप्यूटर की आईडी है। पहले कंप्यूटर की आईडी होगी और फिर क्या होगा आपके पास उसका डाटा होगा, ठीक है। ठीक है, और कंप्यूटर की आईडी कितने कैरेक्टर्स की है, द आईडी कंसिस्ट ऑफ 3 characters की आईडी होनी चाहिए। मैसेजेस मे पास थ्रू सेवरल कंप्यूटर्स ऑन देयर वे। When a message arrives at a computer that is not at the destination, the program needs to forward it to another computer using the serial ports. ठीक है, the port is used to obtain from information that is stored in an array and the name of that array is route table. Route table is a global 2D array of integers. Like you don't need to define. You don't need to declare, you just need to use this route table. We are going to use this. और यहां पर बता दिया बच्चों इस route table के अंदर कितनी rows हैं आपके पास, सिर्फ 6 rows हैं, only 6 rows, and how many columns? You are having 3 columns. The first two values, the first two columns, ये देखिए important बात है, पहले 2 columns जो है in the route table define the range of IDs. मतलब ये पहले 2 columns आपके पास, ये पहले 2 columns आपके पास आईडी की रेंज बता रहे हैं। मतलब आपकी आईडी यहां से अगर यहां तक हो तो ये पूरी एक रेंज बता रहे हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड, -1 आ रहे हैं पता नहीं क्यों है, लोअर बाउंड अपर बाउंड, मतलब ये रेंज बता रहे हैं आपको आईडी की। इस रेंज के अंदर अगर है तो कंप्यूटर की आईडी की रेंज बता रहे हैं आपको। कॉलम 3 गिव्स द पोर्ट नंबर, दिस इज पोर्ट नंबर बच्चे, तो कॉलम 3 में हमारे पास क्या है, पोर्ट नंबर है, और कॉलम 1 and 2 में क्या है, रेंज है पूरी। फॉर एग्जाम्पल द डेस्टिनेशन आईडी, ये स्ट्रिंग में बच्चों, डेस्टिनेशन आईडी स्ट्रिंग में, वो बोला अगर 283 है तो इट विल बी फॉरवर्डेड टू पोर्ट 2। तो अब देखिए 283 कौन सी रेंज में आ रहा है, 283 इस रेंज में आ रहा है नहीं, 283 इस रेंज में आ रहा है नहीं, ये तो -1 है बाद में बताएगा, 283 इस रेंज में आ रहा है, यस इस रेंज के अंदर है। अगर आपकी वो बोला आईडी इस रेंज के अंदर है तो पोर्ट नंबर क्या होगा आपका, 2 होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। रॉ 3 इज इन द एग्जाम्पल शोज अनयूज्ड रॉ,
अच्छा कहा ये रॉ थ्री अनयूज्ड रॉ, ठीक है, दीज में अगर एनीवेयर अनयूज्ड रॉज हैव द कॉलम वन इज सेट टू माइनस वन द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड एलिमेंट्स इन द अदर टू कॉलम्स आर अनडिफाइंड, ठीक है, मतलब मेरा कंसर्न नहीं है अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा. नाउ यू नीड टू राइट अ कोड मॉड्यूल, आप लोग को बनाना है गेट पोर्ट. टेक डेस्टिनेशन आई डी एज द पैरामीटर ऑफ द डेटा टाइप स्ट्रिंग. तो डेस्टिनेशन आई डी आप लोग की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी. सर्च द रेंज ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन आई डी बच्चों इन द एरे. अब रेंज, तो बच्चों रेंज से कुछ याद आया, एरे के अंदर बोले सर्च करो, तो रेंज हमारे पास कहां से कहां तक है, रेंज हमारे पास कॉलम वन से कॉलम टू तक है रेंज, और कॉलम थ्री में हमारे पास क्या था, पोर्ट नंबर था. रिटर्न द पोर्ट नंबर, अगर उस रेंज के अंदर आपका नंबर आ गया, डेस्टिनेशन आईडी आ गई, तो रिटर्न कर देना बच्चों, वो बोला पोर्ट नंबर वन ना, रिटर्न क्या कर देना माइनस वन इफ द कोरिस्पॉन्डिंग रेंज इज नॉट फाउंड, ठीक है. एज्यूम दैट द डेस्टिनेशन आईडी विल कंटेन अ थ्री डिजिट वैलिड स्ट्रिंग. ये भी अच्छी बात हो गई, बहुत ही आसान कोड है, सात नंबर अवॉर्ड कर रहे बच्चों. तो पहला सवाल मेरा, फंक्शन या प्रोसीजर, पहले तो ये बताएं आप लोग, फंक्शन या प्रोसीजर. ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, डेस्टिनेशन आईडी बच्चों मुझे सर्च करनी है इस रेंज के अंदर, इन रेंजेस के अंदर मुझे डेस्टिनेशन आईडी को सर्च आउट करना है. मैं कब तक सर्च करता रहूंगा, या तो जब तक मुझे पोर्ट नंबर, मुझे इस रेंज के अंदर मेरा नंबर आ जाए, या फिर बच्चों मेरी रॉस खत्म हो जाए. कितनी रॉस है मेरे पास मैक्सिमम, कितनी रॉस है मेरे पास मैक्सिमम, सिक्स. और अगर मुझे मिल गया तो बच्चों मैं कॉलम नंबर थ्री की वैल्यू क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा. और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं पोर्ट नंबर क्या रिटर्न करूंगा, अगर मुझे नहीं मिला आई एम गोइंग टू रिटर्न पोर्ट नंबर एस माइनस वन, ठीक है. तो देखिए ना, अब अगर अगर आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करते ना विदाउट स्पेंडिंग पांच मिनट या ये रीड करने के अंदर, तो दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस. आप बिल्कुल बिल्कुल घबरा जाते हैं, बिल्कुल आप लोग ब्लैंक हो जाते. तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड कर दिया करें ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. आई नो प्रेशर सिचुएशन होती है, दो घंटे का सिर्फ टाइम लिमिट होता है आपके पास, बराबर में कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त तो होते हैं लेकिन ऑफकोर्स यू कैन नॉट टॉक टू देम, एक अलग प्रेशर के अंदर आप लोग बैठे हुए होते हैं, लाइफ का प्रेशर, सोशल प्रेशर, अम्मी अब्बू का प्रेशर, कि भाई मेरा प्रेशर, मैं भी ऑफकोर्स भाई ग्रेट चाहिए, मेहनत करी हम लोगों ने, तो वो सब चीजें आप लोग के माइंड में चल रही होती है उस वक्त, एंड उस सिनेरियो में से निकल के आप लोग को ये लॉजिक डेवलप करनी होती है, और ठीक ठाक मुश्किल लॉजिक होती है. बिल्कुल लीनियर सर्च का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल लीनियर सर्च है आपका, और कुछ भी नहीं था. तो देखिए ना, तो ये चीजें बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग को अपने ना नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, ये टेम्परमेंट आप लोग को अपने अंदर क्रिएट करना होता है. और जो बच्चे ये टेम्परमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो वो दे आर थ्रू, और जो बच्चे ये टेम्परमेंट क्रिएट नहीं कर पाते फिर वो अगले साल ट्राई करते हैं, फिर एक साल और ट्राई करते हैं. तो भाई अभी क्रिएट कर लें, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी पॉसिबल. अच्छा, ये टेम्परमेंट क्रिएट कैसे होता है, कि आप जब खुद से जितने ज्यादा पासवर्ड्स करते रहोगे तो ये टेम्परमेंट आप लोग का क्रिएट होता रहेगा. ठीक है, सॉल्व एज मेनी पासवर्ड्स एज यू कैन. मेरी कोशिश है, मैं आप लोग को मैक्सिमम पांच साल या छह साल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लगे रहेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज वेल, आप लोग को पासवर्ड्स करवाता रहूंगा ताकि आप लोग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ. ठीक है, लेट्स सी. तो बहुत मैंने बातें कर ली, मोटिवेशनल लेक्चर हो गया भाई. सर दोस्त का पूछ लेता हूं फिर बताता हूं कि नहीं. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. फंक्शन बिलाल, तुम ऑनलाइन क्लास में बड़ी जोक्स करते हो भाई, और फिजिकल क्लास में तुम खामोशी से बैठे हुए होते हो. ठीक है, गेट पोर्ट, एंड ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईडी लेगा एज अ पैरामीटर. And of course the data type is a string. And ये return करेगा minus one, तो मतलब returns integer.
हाँ रही सब लॉजिक बेटा, क्वेश्चन में ही समझ में आएगी तुम्हें। अब मैं वापस से री एक्सप्लेन नहीं करता, इतनी मेहनत से करी थी। नाउ बच्चों आई विल बी रीडिंग फ्यू वेरिएबल्स, लाइक मुझे पोर्ट नंबर रिटर्न करवाना है, सो डिक्लेयर पोर्ट। मैं रॉ वाइज आगे बढ़ता रहूंगा तो आई नीड अ वेरिएबल रॉ एंड और डेस्टिनेशन आईडी को बच्चों मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज मुझे वो रेंज के अंदर उसको कंपेयर करना है। आई नीड टू कन्वर्ट दिस डेस्टिनेशन आईडी इनटू इंटीजर, सो इसका मैंने नाम रख दिया बच्चों डेस्टिनेशन इंट एंड द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों डेस्टिनेशन आईडी को इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेता हूं। कैसे कन्वर्ट करवाऊंगा सर? डिक्लेयर फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, अगर आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दोगे द वेरिएबल्स विल बिकम ग्लोबल। हाँ, अगर आपको ग्लोबल बनाना है तो यू कैन डिक्लेयर, अगर ग्लोबल नहीं करना तो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स एंड जनरली हम लोग लोकल ही रखते हैं वेरिएबल्स को, वी डोंट डिक्लेयर देम आउटसाइड द फंक्शन। ओके जी, अनस बता रहे सर स्ट्रिंग टू नम करें, एस टी आर टू नम। ऑफकोर्स ये आप एस टी आर टू नम कहां से देखोगे? इंसर्ट में देखोगे। तो डेस्टिनेशन इंटीजर, डेस्टिनेशन आईडी इंटीजर इज इक्वल्स टू, क्या बता रहे भाई अनस? एस टी आर टू नम। ठीक है, और किसको करना है मुझे? डेस्टिनेशन आईडी। देखो मैं वो रेंज पूरा लगाऊंगा ना, कॉलम वन से लेके कॉलम टू तक रेंज है ना, तो रेंज के लिए मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट रॉ नंबर बच्चों, पहली रॉ क्या होगी? ऑफकोर्स दैट इज वन। और पोर्ट नंबर बच्चों मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विथ माइनस वन। ऑफकोर्स आप लोगों को पता है माइनस वन क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूं इनिशियली दैट जो मैं आईडी सर्च कर रहा हूं टू डी एरे के अंदर दैट इज नॉट अवेलेबल, तो दैट्स व्हाई we have initialized that port number with minus 1. Now, मैंने while loop लगा दिया, while, कितनी rows थी भाई, जल्दी से बताएं वापस से, कितनी rows थी मेरे पास? 6, तो मैं बोला जब तक rows जो है वो less than equals to क्या हो, 6, या फिर and, जो आपका port है, that should be equals to minus 1. अगर कोई एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगा? एंड, बिकॉज मैंने यहां पे बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। अब बच्चों कंपेयर कर लें, सर्च कर लें, इफ एरे का नाम क्या था हमारे पास? ये रहा राउट टेबल। इफ राउट टेबल रॉ नंबर ऑफ कोर्स वन कॉलम वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन इंट एंड राउट टेबल रॉ ऑफ कोर्स वन एंड कॉलम टू is less than equals to destination int। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या करा, कॉलम वन कॉलम टू, और मैंने बोल दिया अगर आपके पास जो डेस्टिनेशन आईडी अगर इस रेंज के अंदर है इसका मतलब मुझे पोर्ट नंबर मिल गया, तो पोर्ट नंबर कौन से कॉलम में था? एनीवन, विच कॉलम पोर्ट नंबर वॉज इन? कॉलम नंबर थ्री। जतिन बोले सर ये वाली कंडीशन एक्सप्लेन करने, जतिन ये देखो, लेट्स से यूजर ने यहां पे एंटर कर दिया जतिन 300, तो मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं कॉलम वन, मैं बोल रहा हूं 300 इस रेंज में, यहां से यहां इस रेंज में नहीं है, 300 इस रेंज में नहीं है, 300 इस रेंज में है नहीं है, ऑफकोर्स वो तो एरर आ जाएगा, मतलब है नहीं, 300 इस रेंज में, यस 300 इस रेंज में, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर इस रेंज में है तो बच्चों ये पोर्ट नंबर मैं क्या करूंगा, असाइन कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है, समझ में आई बात? मैंने सर्च करा 500, तो 500 इस रेंज में भी आ जाएगा, तो पोर्ट नंबर 3 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। रेंज का जतिन
वो कर रहा हूं कंपेयर, ठीक है। तो ये कॉलम नंबर वन, रॉ वन कॉलम वन, रॉ वन कॉलम टू, तो आपके पास इस रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर है तो बच्चों इसका मतलब देन पोर्ट विल बी इक्वल्स टू राउट टेबल रॉ कॉमा कॉलम थ्री, बिकॉज कॉलम थ्री में क्या था, पोर्ट नंबर था। और अगर नहीं है, मतलब इस रेंज में नहीं है, तो मुझे अगली रॉ में मूव करना है। और अगली रॉ में बच्चों कैसे मूव करते हैं, अगली रॉ में कैसे मूव करते हैं, रॉ विल बी इक्वल्स टू रॉ प्लस वन। और मैं कब तक करता रहूंगा, जब तक रॉ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, या फिर मुझे मेरे पोर्ट की जो वैल्यू वो अपडेट हो जाए। और यहीं पर मैंने क्या लगा दिया, एंड इफ, और यहीं पर बच्चों मेरा काम तमाम हो गया, मेरा नहीं सॉरी क्वेश्चन का, क्वेश्चन के पार्ट ए का सॉरी। और मैंने यहीं पे बच्चों अप्लाई करा एंड व्हाइल, और जैसे ही ये मेरा लूप एंड होगा, अगर मेरा आइटम मिल गया होगा तो बच्चों द वैल्यू फॉर द पोर्ट विल बी अपडेटेड, और अगर मेरा वो आईडी इस रेंज के अंदर नहीं होगी तो द वैल्यू विल नॉट बी अपडेटेड। तो मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न पोर्ट, और यहीं पर मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। एंड एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग अस 7 मार्क्स फॉर दिस, 7 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छा सवाल था, वी आर डन। उफ, फिर एक और इतना बड़ा लंबा चौड़ा बच्चों स्टोरी, मतलब सिर्फ टाइम कंज्यूम करना ना एग्जामिनर को आप लोगों का, मतलब टाइम बहुत ज्यादा बैलेंस रखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर पेपर टू। अभी उसके ऊपर भी आऊंगा, पहले आप लोग थोड़ा सूडो कोड के ऊपर अभी हम लोग काम कर लें, लाइक 2023, 2022, 2021, फिर मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की भी टिप्स दूंगा, फिर किस तरह टाइम को मैनेज करना है आप लोगों ने। एक टिप तो दी भी मैंने कि अगर आपके पास पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ट्रेस टेबल अगर आ जाए तो एंड में करना है भाई, वो टाइम खा जाता है आप लोगों का। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अब क्या बोलता है भाई, सुनते जरा। ही सेइंग कॉपीज ऑफ द सेम प्रोग्राम विल रन ऑन ईच कंप्यूटर, कौन सी कॉपी, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं बोले कॉपी चलेगी कोई, चलने दे भाई। द प्रोग्राम कंटेन्स अ ग्लोबल वेरिएबल माई आई डी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप विच कंटेन्स यूनिक आई डी ऑफ द कंप्यूटर, माई आई डी मतलब कंप्यूटर की यूनिक आई डी है, ठीक है। When messages are received, they are placed on one of the two stacks. जब कंप्यूटर के पास मैसेज आएगा तो आपके पास बता रहे दो स्टैक हैं, स्टैक याद है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट वेन वाले अंकल, ठीक है, तो बोले दो स्टैक हैं। स्टैक वन इज यूज फॉर मैसेजेस दैट हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो बच्चों वो बोल रहे हैं अगर आपकी डेस्टिनेशन पे वो मैसेज आ गया, मतलब इसका मतलब जो आपकी मैसेज की जो आईडी है और ये जो कंप्यूटर की आईडी है ये मैच कर जाए। स्टैक टू इज यूज्ड फॉर द मैसेज दैट विल बी फॉरवर्डेड टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। वी नीड टू राइट द मॉड्यूल प्रोसेस मैसेज, मॉड्यूल स्टैक मैसेज मस्ट बी यूज्ड। पहले स्टैक मैसेज पढ़ लेते हैं, या चले पहले प्रोसेस मैसेज पढ़ते हैं। टेक मैसेज एज अ पैरामीटर ऑफ द स्ट्रिंग, अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन के स्टार्ट में ना एग्जामिनर ने मैसेज एक्सप्लेन करा था, इफ यू पीपल रिमेंबर, ये रहा। जब कंप्यूटर को मैसेज मिलता है बच्चों, वो कंटेन करेगा दो चीजें, एक होगी डेस्टिनेशन आईडी, आपको बताएं डेस्टिनेशन आईडी कितने कैरेक्टर्स की है, 3 कैरेक्टर्स की होगी, और दूसरा क्या होगा, आपके पास डेटा होगा, डेटा का कोई उसने नहीं बताया हुआ, तो दिस इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। टेक मैसेज एज द पैरामीटर, इग्नोर एनी मैसेज विद अ जीरो लेंथ ऑफ डेटा, जीरो लेंथ ऑफ डेटा फील्ड, तो
तो बच्चों जीरो लेंथ ऑफ डेटा फील्ड का मतलब क्या हुआ, ये जो मैसेज है ना आप लोग का, ये कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कम से कम कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए ये? नहीं, यही तो अब्दुल्ला मिस्टेक की बच्चों ने एग्जामिनर रिपोर्ट में, एग्जामिनर ने भी लिखा बच्चों ने यहां पे जीरो लेंथ से मतलब समझा कि आपके पास मैसेज की लेंथ जीरो नहीं, मतलब एक होनी चाहिए, एक नहीं मैसेज डेटा की बात कर रहा है भाई। मैसेज के अंदर आपके पास वो इस डेटा की बात कर रहा है। तीन कैरेक्टर्स तो बच्चों इसके हो गए, वो बोल रहे डेटा वाली फील्ड आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए। तो दिस मींस दिस मैसेज फील्ड शुड बी एटलीस्ट ऑफ फोर कैरेक्टर्स, तीन कैरेक्टर्स के हो गए और डेटा की फील्ड के अंदर एक कैरेक्टर भी है तो द टोटल लेंथ ऑफ द मैसेज बच्चों विल बी ऑफ फोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज एक पिक करनी थी आपको यहां पर, समझ में आई ना बात आप लोगों को। वो बोल रहे डेटा वाली फील्ड एम्प्टी ना हो, मैसेज डेस्टिनेशन इज थ्री एंड डेटा अगर एक भी है तो टोटल लेंथ विल बी फोर। वो बोल रहे अगर यहां पे ये आपके पास डेटा वाली लेंथ अगर मतलब जीरो है तो इग्नोर कर, खत्म कर देना, कुछ नहीं करना बोल रहे फिर। इसका मतलब प्रोसीजर बनवा रही है हमसे, एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन आई डी फ्रॉम द मैसेज, हारिस अभी आएगा हल्के हल्के, चेक वेदर द डेस्टिनेशन आईडी इज दिस कंप्यूटर और एनी अदर कंप्यूटर। बच्चों इज दिस कंप्यूटर ये कैसे होगी आपके पास, बिकॉज इसने ग्लोबल वेरिएबल दिया था माई आईडी, तो मैं जो यहां से आईडी निकालूंगा और माई आईडी से कंपेयर करूंगा, अगर ये दोनों आईडी मैच करके तो इसका मतलब माई कंप्यूटर की आईडी, अगर नहीं मैच करी तो इसका मतलब दूसरे कंप्यूटर की आईडी है। ये यूजेस स्टैक मैसेज टू एड द मैसेज टू द एप्रोप्रिएट स्टैक। अब ये स्टैक मैसेज क्या है, ऊपर चल के पढ़ते हैं, ऑलरेडी रिटेन सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। टेक टू पैरामीटर्स, एक मैसेज आपका पैरामीटर लेगा और एक स्टैक नंबर पैरामीटर लेगा। ठीक है, दो स्टैक थे बच्चों, अगर आपकी आईडी और कंप्यूटर की आईडी मैच कर गई तो स्टैक नंबर क्या होगा आप लोग का, स्टैक नंबर बच्चों इस केस में क्या होगा, वन, और अगर मैच नहीं करी तो स्टैक नंबर क्या होगा आप लोग का, टू होगा। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। अगर ये वाली आईडी और कंप्यूटर की आईडी अगर मैच करके, उसने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल दिया ना यहाँ पे माय आईडी, अगर ये मैच करके तो दिस मींस दैट द स्टैक नंबर विल बी वन, यहाँ पे बताया बस ने, स्टैक वन इज यूज फॉर द मैसेज दैट हैव अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन, और अगर नहीं है तो बच्चों द इसका मतलब द स्टैक आईडी विल बी टू फॉर दैट। एड करेगा मैसेज टू द स्टैक, रिटर्न ट्रू इफ द मैसेज इज एडेड, रिटर्न फॉल्स, मतलब एक फंक्शन है। आउटपुट एन एरर मैसेज बच्चों इफ इट कुड नॉट एड ऑन टू द स्टैक। तो बच्चों अगर मैं कंपेयर कर लूंगा, अगर स्टैक मैसेज की वैल्यू मेरे पास फॉल्स आ रही होगी तो मैं एरर मैसेज करवा दूंगा कि भाई आपका जो डाटा है, आपका मैसेज है, वो स्टैक के अंदर एड नहीं हुआ। ठीक है भाई, सो दैट्स द क्वेश्चन बच्चों, लेट्स स्टार्ट। एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी अ प्रोसीजर बिकॉज कोई चीज हमें रिटर्न नहीं करवानी। लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। The name is process message. Parameter क्या लेगा ये हमारे पास, ऊपर चलते हैं, मैं भूल गया, take message as the parameter, message string होगा of course, message आपका message याद है ना, message दो चीजों के ऊपर contain करता है, destination id तीन characters की और फिर data। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, इग्नोर मैसेज इफ डेटा की लेंथ जीरो है, तो टोटल लेंथ अगर चार से कम है तो इग्नोर कर दो, खत्म कर दो, बोले कुछ करो ही नहीं। मुझे यहां पे वेरिएबल्स कुछ चाहिए होंगे, अभी अभी फिलहाल मुझे वेरिएबल्स समझ में नहीं आ रहे तो मैं दो थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूं बच्चों, बाद में देखूंगा मैं। इतनी जगह दी भी है, जगह दी भी है, ठीक ठाक जगह है, खैर मैं तो कर सकता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे कर लूंगा इसको। खैर तो इफ लेंथ ऑफ मैसेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, देन मैं आगे कोई काम करूंगा, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, वरना मतलब देन ठीक है, वरना एल्स खत्म सब, कुछ भी नहीं करूंगा।
एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन आईडी फ्रॉम द मैसेज डेस्टिनेशन आईडी इज इक्वल्स टू मैसेज के कितने कैरेक्टर्स होंगे भाई जल्दी से बताएं सर डेटा हमें नहीं पता हारिस नहीं वी नो द डेटा मैसेज ये हमारा डेटा है अब्दुल्ला ने बता दिया तीन कैरेक्टर्स तो लेफ्ट आई नीड टू अप्लाई बच्चों ऑन मैसेज एंड आई नीड टू पिक थ्री कैरेक्टर्स ठीक है भाई डेस्टिनेशन आईडी आ गई मेरे पास आगे क्या बोल रहा है चेक वेदर द डेस्टिनेशन आईडी बच्चों इज ऑफ द कंप्यूटर और नॉट तो कंप्यूटर की है या नहीं तो बच्चों अनदर इफ इफ डेस्टिनेशन इज आईडी इज इक्वल्स टू ऊपर क्या बताया था उसने नाम माय आईडी इसका मतलब ये कंप्यूटर की आईडी है अगर ये कंप्यूटर की आईडी है तो क्या करना था भाई हम लोगों ने यूजेस मैसेज स्टैक एंड एड द मैसेज टू द एप्रोप्रिएट स्टैक बच्चों अगर ये कंप्यूटर की आईडी है तो स्टैक नंबर क्या था 1 तो देन स्टैक मैसेज हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल है अगर ये ऐड कर देगा तो इसके अंदर वैल्यू आएगी ट्रू वरना फॉल्स नाम क्या है स्टैक मैसेज को बच्चों दो पैरामीटर्स चाहिए वन इज द मैसेज एंड द अदर इज स्टैक नंबर ठीक है भाई अगर ये कंप्यूटर की आईडी है स्टैक नंबर 1 होगा मैसेज मैंने ऐड करवा दिया अगर डाटा ऐड हो गया हो जाएगा तो बच्चों एडिट की वैल्यू ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करूंगा अभी तो एडिट की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू वरना क्या होगी फॉल्स लेकिन वो ऐड तो करना होगा एल्स एडिट विल बी इक्वल्स टू स्टैक मैसेज कॉमा ठीक है भाई और यहीं पे मैंने अब चीजें बंद करना स्टार्ट करी एंड इफ के बाद बच्चों अब मैंने यहीं पे चेक कर लिया इफ एडिड इज इक्वल्स टू फॉल्स इसका मतलब बच्चों मेरा आइटम ऐड नहीं हुआ आउटपुट उसने बोला था एरर करना देन आउटपुट मैसेज नॉट एडेड एंड इफ और ऊपर वाला इफ भी बच्चों क्या हो जाएगा यहां पे अब एंड इफ उसने बस एरर मैसेज ही बोला था ना हमें इफ कुड नॉट बी एडेड ठीक है और एक आखिरी काम क्या करना है आप लोगों ने यहीं पे आपका प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर तो हमारा प्रोसीजर भी यहां पे एंड हो गया बच्चों मुझे यहां पे मैंने वेरिएबल कौन कौन से यूज करें एक डेस्टिनेशन आईडी यूज करा है मैंने एक एडिड यूज करा है सो आई जस्ट यूज बच्चों टू वेरिएबल्स ओवर हियर मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स यहां पे यूज करें ठीक है सर हाउ फोर कम इन द कंडीशन देखो जतिन बताया तो है एग्जामिनर ने यहां पे आपको देखो तो जरा उसने बोला था अगर डेटा की वैल्यू नहीं हो जीरो तो खत्म कर देना तो ये पूरा एक मैसेज की लाइन है तो मैसेज के अंदर आपका पहले आपके पास डेस्टिनेशन आईडी और फिर डेटा है तो आपके पास डेस्टिनेशन आईडी कितने कैरेक्टर्स की वो तो पता है आपको तीन कैरेक्टर्स की है तो डेटा अगर एक कैरेक्टर का भी होगा ना तो आपके पास टोटल क्या बन जाएगा 4 तो 3+1 4 तो मैसेज का अगर कम से कम लेंथ 4 है इसका मतलब आपके पास तीन कैरेक्टर्स डेस्टिनेशन के एक कैरेक्टर डेटा का मतलब डेटा इसका मतलब नल नहीं है लेकिन अगर तीन या तीन से कम है आपके पास मैसेज की वैल्यू इसका मतलब डेटा की वैल्यू आपके पास क्या है दैट इज 0 ठीक है तो यहां पर तभी हमने 4 आया यहां पर कंडीशन के अंदर कहां गया कोड भाई
सो नाउ बच्चों आई कैन डिक्लेयर द वेरिएबल्स एज वेल. डिक्लेयर, मैंने एडिट यूज करा एक बुलियन वेरिएबल. डिक्लेयर एडिट, इट्स अ बुलियन पैरामीटर एंड डिक्लेयर. और क्या यूज किया था मैंने, डेस्टिनेशन आईडी, दैट इज अ स्ट्रिंग. डेस्टिनेशन आईडी दैट इज स्ट्रिंग. एंड आई एम डन बच्चों. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग मी 7 marks फॉर दिस. 7 number आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे इस पार्ट के ऊपर. ठीक है, तो अच्छा सवाल था, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द प्रोग्राम्स कंटेन बच्चों बोल रहा है गेट फाइल विच रिसीव टेक्स्ट फाइल सेंड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर. लाइन्स फ्रॉम द फाइल्स आर सेंड वन एट अ टाइम. ईच मैसेज कंटेन्स वन लाइन एंड द प्रोसेस मैसेज इन पार्ट बी एड्स ईच मैसेज रिसीव फ्रॉम ऑन टू स्टैक वन. मॉड्यूल गेट फाइल रिमूव द मैसेज. गेट फाइल क्या करेगा, रिमूव करेगा मैसेजेस फ्रॉम स्टैक वन एंड राइट द डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल. देयर इज अ प्रॉब्लम अंडर certain circumstances the received files does not appear as expected. Assume while writing of the file is being received only messages containing lines from the file. Describe the circumstances and explain the problem. Problem kya ho sakti hai stack ke andar bachcho, aapko pata hai bhai aap data add karoge line number 1, line 1 yahan add ho gayi, line 2, line 2 yahan add ho gayi, line 3, लाइन 3 यहां ऐड हो गई. अब आपको जब रिमूव करना है बच्चों लाइन, तो आप लोग को लाइन 1 अगर रिमूव करनी है तो लाइन 1 रिमूव नहीं होगी आपके पास, लाइन 3 रिमूव हो जाएगी. स्टैक के अंदर लीफो फॉलो करता है ना, फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो आपके पास जो आपकी टेक्स्ट फाइल है स्टैक के अंदर, अगर आप उसको डेटा को स्टोर करके और रिट्रीव करेंगे तो आपके पास द टेक्स्ट फाइल विल बी आउट ऑफ ऑर्डर. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. देयर कैन बी अनदर प्रॉब्लम बच्चों दैट आपकी स्टैक फुल हो जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आपका यहां पर यही है. ठीक है, रिमूविंग फ्रॉम ऑफकोर्स एंड से अगर आपको रिमूव करना है तो वो टॉप से रिमूव कर रहा होगा एक्चुअली, इट वॉन्ट बी रिमूविंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है. इससे बेहतर सोल्यूशन क्या है कि वी कैन यूज क्यूज, क्यू यूज कर सकते हैं हम लोग, तो इसका सोल्यूशन भी है. तो मैंने यहां पर बच्चों एक्सप्लेन कर दी वाली बात. इफ मोर देन वन लाइन then all lines are stored on stack. Explanation de di, stack follows last in first out algorithm. Last in first out, so last line added will be removed first. Text file will be out of order. ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट फाइल क्या हो जाएगी, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी. इसका सोल्यूशन क्या है बच्चों, द सोल्यूशन अनदर डेटा टाइप बच्चों बोले, कोई ऐसी डेटा टाइप जो यहां पे सोल्यूशन के लिए यूज की जाए, तो वी कैन यूज अ क्यू. हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, क्यू यूज कर सकते हैं. साथ अगेन अभी पास पेपर कर लो, इररेलीवेंट सवालों के जवाब मैं कोशिश करता हूँ ना दू भाई. ठीक है, बता दूंगा, क्लास में पूछना मुझसे दूसरे वाली. ओके जी बच्चों, एक सवाल आखिरी रह गया था भाई, दैट वाज अबाउट द ट्रेस टेबल. सो ट्रेस टेबल के लिए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं. आई विल बी नीडिंग अ ब्लैंक पेज.
होशियारी नहीं करनी, बिल्कुल अब्दुल्ला सही आपने बोला, बिल्कुल भी होशियारी नहीं करनी होती इसमें, हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से खामोशी से चलना होता है। और एग्जामिनर की मेन अप्रोच ये होती है कि आपको कंफ्यूज कर दे। तो अभी तो ऑनलाइन में बैठा हूँ, तो अभी तो आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वरना आप लोग क्लास में बड़ा तंग करते थे भाई, मुझे सॉल्व नहीं करने देते थे, मुझे कुछ बातें कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता था भाई। 6 नंबर का सवाल है भाई, वाह। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोल रहा है मिक्स वन वन, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, थक गया हूँ मैं भी अब, आप लोग भी थक गए होंगे ऑफ कोर्स। मिक्स टू थ्री, मिक्स थ्री फोर, देखिए कितना अभी थ्री, सेकंड इंडेक्स को थर्ड वैल्यू असाइन कर रहा है, थर्ड को फोर्थ असाइन कर रहा है, फोर्थ को टू असाइन कर रहा है। अभी यहीं से बच्चों एग्जामिनर जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए। अच्छा उसने बोला बच्चों द वैल्यू फॉर द स्टार्ट शुड बी, स्टार्ट की वैल्यू आपको रखनी है, क्वेश्चन में मेंशन है थ्री, द प्रोसीजर इज कॉल्ड विद द वैल्यू ऑफ थ्री, द वैल्यू ऑफ द स्टार्ट इज थ्री, थ्री से कॉल किया इसने, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज थ्री, थ्री इज असाइन टू इंडेक्स, तो नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज थ्री, काउंट की वैल्यू जीरो। अब मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स इंडेक्स थ्री, मिक्स इंडेक्स थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास फोर, तो दिस इज असाइंड बच्चों टू द वैल्यू। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे फोर रखा हुआ था, फोर मैंने असाइन कर दिया। अब वो बोल रहा है मिक्स इंडेक्स, तो द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज थ्री, तो थ्री माइनस वन वो कर दिया जाए, तो यहां पे अब बच्चों क्या आ जाएगा, इट विल बी थ्री आ जाएगा। अब वो बोल रहा है वैल्यू असाइन कर दी जाए इंडेक्स को, तो नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम थ्री एंड द वैल्यू फॉर काउंट विल बिकम वन, काउंट फाइव हो गया, नो। अब आपका लूप वापस से आइट्रेट करेगा। अब इंडेक्स वैल्यू थ्री है, थ्री पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, थ्री पे बच्चों मेरे पास थ्री ही रखा हुआ है, नहीं सॉरी, वैल्यू शुड बी असाइन टू इंडेक्स, सो इंडेक्स बच्चों विल बिकम फोर। हाँ हाँ फोर असाइन होगी भाई, फोर असाइन कर दिया, ठीक है। अब फोर पे बच्चों क्या रखा हुआ है मेरे पास, नहीं भाई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं मिटाऊंगा वापस से, मैं अगर अभी अगर हो गया ना फिर वो एंड तक मुझे तंग करता रहेगा, वापस से मैंने मिटा दिया जल्दी से ताकि अभी शुरू में ही उसको करेक्ट कर लूं। अच्छा जी, इंडेक्स थ्री हो गया, अभी क्या है हमारे पास, अब मैं फर्स्ट टाइम पहले आइट्रेट करने जा रहा हूं, सो इंडेक्स वैल्यू थ्री, थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है फोर, तो वैल्यू क्या हो गई फोर। अब वो बोल रहे इंडेक्स थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको माइनस वन कर दो, थर्ड इंडेक्स पे था मेरे पास ये हो गई थ्री, और बोल रहे वैल्यू असाइन कर दो इंडेक्स को, सो नाउ वैल्यू फोर, इंडेक्स वैल्यू फोर हो गई, काउंट की वैल्यू प्लस वन करवा दी, ठीक है आगे बढ़ा। अब वो बोल रहे वैल्यू इंडेक्स वैल्यू अब क्या, फोर, फोर पे क्या रखा हुआ है टू, फोर पे क्या रखा हुआ है टू रखा हुआ है, तो ये बोला असाइन कर दो वैल्यू को, नाउ द वैल्यू इज टू, ठीक है। अब वो बोल रहे इंडेक्स वैल्यू को एक कम कर दो, सो फोर्थ इंडेक्स पे रखा हुआ है मेरे पास टू, तो इट विल बिकम वन। अब वो बोले वैल्यू असाइन कर दो इंडेक्स को, सो नाउ वैल्यू इंडेक्स विल बिकम टू, और काउंट को बोले प्लस वन कर दो, द वैल्यू फॉर काउंट विल बिकम टू। क्या ये लूप एंड हो गया, नो no, ऊपर गए हम लोग। अब वो बोले सेकंड इंडेक्स पे जो रखा है वो असाइन कर दो वैल्यू को, तो सेकंड इंडेक्स में मेरे पास रखा हुआ है थ्री, तो दिस शुड बी असाइन टू वैल्यू। अब वो बोले जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको एक माइनस वन कर दो, सेकंड इंडेक्स के अंदर क्या रखा हुआ था थ्री, जब मैंने माइनस करा इट विल बिकम टू। अब वो बोले वैल्यू असाइन कर दो इंडेक्स को, सो नाउ द वैल्यू विल बिकम थ्री, और इंडेक्स वैल्यू मेरे पास क्या होगी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, दैट विल बिकम थ्री। तो अब मेरा लूप बच्चों वापस से चला। अब वो बोल रहे कि अगेन थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास थ्री, थ्री शुड बी असाइन टू वैल्यू। अब वो बोले इंडेक्स वैल्यू को एक कम कर दो, सो नाउ ये टू हो जाएगी। वो बोले वैल्यू असाइन कर दो इंडेक्स को,
अगेन थ्री, जतिन सर इंडेक्स थ्री से स्टार्ट क्यों करा था जतिन, मैं बीच में सवाल कर लिया, एग्जाम ने क्वेश्चन में मेंशन था हमारे पास यहां पे, ये देखो स्टार्ट की वैल्यू थ्री थी, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, वैल्यू असाइन कर दो इंडेक्स को, अब वो वाला काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, दैट विल बिकम फोर, और आई थिंक वी आर डन। आगे बढ़ो बच्चों में यहां पे, अब अगेन थर्ड इंडेक्स के ऊपर बच्चों क्या रखा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे रखा हुआ है मेरे पास टू, तो वो बोल रहा है थर्ड इंडेक्स पे जो रखा हुआ है वो असाइन कर दो वैल्यू को, तो द वैल्यू बच्चों विल बिकम टू। वो बोल रहे इंडेक्स को एक माइनस वो कर दो, तो थर्ड इंडेक्स को अगर मैं एक कम कर दूंगा इट विल बिकम वन। अब वो बोल रहे वैल्यू असाइन कर दो इसको, तो बच्चों द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम टू, और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो दैट इज बिकम फाइव, और आपका लूप बच्चों यहां पे मैंने कंपेयर करा, लूप आपका क्या हो गया, एंड हो गया। अब वो बोला काउंट की वैल्यू काउंट फाइव है, इंडेक्स टू है, मल्टीप्लाई कर दो मिक्स इंडेक्स फोर के अंदर असाइन कर दो, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय टू एंड द वैल्यू फॉर मिक्स इंडेक्स विल बिकम टेन। और यहां पे बच्चों हमारे पास ये कोड हमारा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये पेपर भी हमारा। तो आज बच्चों हम लोगों ने पूरा अपना ये पेपर कंप्लीट करा है, पेपर टू। अब आप लोग देख सकते हैं लाइक ऑलमोस्ट हमें दो घंटे लगे इस पेपर को सॉल्व करने के अंदर, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग, साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था आप लोगों को चीजें। सो इसी तरह बच्चों मेहनत करना है हम लोगों ने, आगे बढ़ते रहना है, क्वेश्चंस करते रहना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर बच्चों हम लोग डे बाय डे होते रहेंगे, और हमें अपने आप को बेहतर करते रहना है। ठीक है भाई, सो इंशाल्लाह अगली क्लास में बच्चों मुलाकात होगी विद लॉट्स ऑफ न्यू, एक कोई नए पेपर के साथ हम लोग आएंगे, और वो पूरा पेपर हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।